आप पत्र आवाज नहीं आ रही सर, माइक लगाना चाहिए। अच्छा नहीं सुन लीजिएगा, थोड़ा शांत रहिएगा। तो आज हम अपने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है और इसको आपके माध्यम से चाहते हैं कि जनमानस में भी ये बातें जाए। और जो हमारा घोषणा पत्र है उसमें बहुत सारी बातें हैं, वो लोग पढ़ करके देखेंगे, लेकिन मुख्य बिंदु जो है हमारे पास, जो हमने फोकस किया है, उसके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। और हम फख्र के साथ कहते हैं कि जिन बातों की चर्चा हम अपने घोषणा पत्र में किया है वो गरीबों से संबंधित है, शेड्यूल कास्ट से संबंधित है, और उससे व्यापक व्यवस्था में बदलाव लाने की बात हो सकती है, जिसको बदकिस्मती बस चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो अपने एजेंडा में, अपना घोषणा में नहीं शामिल किया है। इसीलिए हम आप लोगों के माध्यम से बिहार की जनता से अनुरोध करना चाहेंगे कि जो हम समाज के उत्थान के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए विशेष, उसके उत्थान के लिए जो हमने लिखा है और घोषणा किया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग करेंगे, उसी में पहला बिंदु जो हमारे सामने है कि समान शिक्षा प्रणाली की बात हम कर रहे हैं। और लोहिया जी ने भी कहा था कि राष्ट्रपति का बेटा या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। हमारे अंबेडकर साहब ने कहा था कॉमन स्कूलिंग सिस्टम, और कॉमन स्कूलिंग सिस्टम सबको शिक्षा एक समान किए बगैर आज जो समाज में असमानता है, ऊंच नीच का भाव है, रिजर्वेशन का झगड़ा है, ये नहीं मिट पाएगी। और ये कोई ऐसी बात नहीं कही गई थी उन लोगों के द्वारा जो जिसका अनुपालन नहीं हो सकता है। दूसरे देशों में, संसार के कई एक देशों में समान शिक्षा प्रणाली लागू की गई है। आज इससे हम चार्ज करते हैं जो भी आज तक सत्ता में रहे हैं, प्राइवेट स्कूल चलाने वालों के पक्ष में उन लोग ने अपना विचार रखा है, और यही कारण है कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम नहीं चालू करते हैं। कारण कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं 20 लाख 25 लाख 30 लाख सालाना लेते हैं, और वो कौन ले सकता है? समाज का वैसे ही वर्ग दे सकता है जिसको कहा जाए कि आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न है। तो अगर आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न को ही संपन्न और शिक्षित कीजिएगा तो फिर जो हाशिए पर गरीब में है, गरीबी रेखा से नीचे है, उसका क्या होगा? और जानबूझ करके सरकारी विद्यालयों की स्थिति को लोग खस्ता हाल बना के रखा है, ये एक साजिश है शेड्यूल कास्ट और गरीबों के लिए। ये साजिश है कि इनके बच्चे अच्छी शिक्षा न प्राप्त कर सकें, इसलिए अच्छे शिक्षक नहीं होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देते हैं, और हमारे बच्चे मेंटली भी उतना डेवलप नहीं हो पाते कुछ अपवाद छोड़ करके। तो ऐसी स्थिति में अगर सबको हमको आगे बढ़ाना है तो कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लाना बहुत ज़रूरी है, जो हम लोग अपना घोषणा पत्र का प्रथम बिंदु में दिया है। उसके बाद आरक्षण की जब बात हम लोग कहते हैं तो आज तक आरक्षण जो है क्वांटम उसका, वो दिनों दिन घटता जा रहा है। यानी पहले सरकारी सेवाएं 80% थी, आज सरकारी सेवाएं मात्र 30-35 तक सिमट के रह गई, बाकी सेवाएं सब निजी क्षेत्रों में जा रही है। तो हम लोगों का इसमें दो फोकस है। एक फोकस तो है कि उच्चतम न्यायालयों में, उच्च न्यायालय में जजों की जो नियुक्तियाँ होती है उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए, जो आज तक नहीं हो पाया है। इसके लिए हमारी पार्टी सरकार में आएगी, अगर हमारी गठबंधन सरकार में आएगी तो हम लोग उच्च न्यायालयों में आरक्षण की व्यवस्था करेंगे। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक आरक्षण के संबंध में जो दायरा हम लोग बढ़ाना चाहते हैं उसमें वही है कि निजी क्षेत्र में भी देंगे और जो जुडिशियरी है उसमें भी देंगे, तब आरक्षण का दायरा बढ़ेगा। और आरक्षण का दायरा बढ़ेगा तो जो भी हमको आरक्षण अभी प्राप्त हो रहा है उससे हमको लाभ मिलेगा। और फिर आरक्षण में ही एक हम लोगों की धारणा है, आप जानते होंगे कि सबसे पहले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर 2017 में तालकटोरा स्टेडियम में एक वकालत किया था कि हम गैर आरक्षित वर्गों को भी चाहते हैं कि आरक्षण मिले, और आरक्षण का जो क्वांट कोटा है, सीलिंग है, उसको बढ़ाया जाए। ये सरकार, भारत की सरकार वर्तमान में
किया है, कोटा बढ़ाया मात्र 10% बढ़ाया, 49 पॉइंट से 69 पॉइंट किया। हम लोगों की मानना इसमें है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिले उसको उतनी हिस्सेदारी, ये हम लोगों की बात नहीं है, पुराना हमारे लोहिया जी वगैरह का विचार है। उस हिसाब से जो जातीय जनगणना 2011 में संपन्न हुई है, सामाजिक आर्थिक जनगणना, उसके साथ साथ जातीय भी हुई है, वो जातीय जनगणना को प्रकाशित किया जाए और प्रकाशित कर कर के जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके आधार पर आरक्षण दीजिए। मसलन कम से कम 95% पद आरक्षित करना चाहिए, ताकि चाहे गैर आरक्षित वर्ग लोग हों या फिर आरक्षित वर्ग के जो लोग हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स ओबीसी, उनको जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिले। ये हमने वकालत किया है अपना घोषणा पत्र में। और उसके बाद भूमि सुधार की कोई बात अभी सरकार नहीं कर रही है, और आप जानते हैं भूमि सुधार न होने से कहीं कहीं उग्रवादी व्यवस्था पनपती है, लोगों में असंतोष होता है। और ये जो भूमि सुधार का मामला है दो प्रकार का है, एक मामला है कि हम साहब यहाँ के वैसे लोगों को, भूमिहीन लोगों को जो जोत यानी खेती के लायक ज़मीन उनको नहीं है, उनको हम 2 एकड़ ज़मीन खरीद के देंगे, हमने घोषणा पत्र में किया है। और वास के लिए रहने के लिए जो 3 डिसमिल ज़मीन की चर्चा इन लोग किया था और कहा था कि 20,000 रुपया देंगे खरीद करके देंगे, हम लोग घोषणा पत्र में समाहित किया है कि हम 5 डिसमिल ज़मीन देंगे देहातों में और 3 डिसमिल देंगे शहरों में, और नहीं सरकारी ज़मीन रहेगी तो उसको हम खरीद के देंगे, और ख़रीद के देंगे तो मार्केट रेट से देंगे, ये नहीं कि हम फिक्स कर देंगे 20,000 और 10,000, उसमें आज ज़मीन नहीं मिलती है। ये फिक्स होने का मतलब सिर्फ लॉलीपॉप है, दिखलाता है लोग कि हाँ हमने किया, लेकिन होता नहीं है। हम लोग 10 वर्षों में देख रहे हैं कि टाँड श्मशान नदी यही मिल गया जहाँ हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं जाना चाहते हैं। इसीलिए मार्केट रेट से ज़मीन खरीद करके देहातों में 5 डिसमिल ज़मीन और शहरों में 3 डिसमिल ज़मीन देंगे, क्रय करने की भी ज़रूरत होगी तो मार्केट रेट से खरीद के देंगे। इस तरह से भूमि सुधार का एक कड़ी है, इसको हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। और आप जानते हैं कि जब मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग थे यहाँ, तो सबसे पहले किसानों को राहत पहुँचाने के लिए हमने घोषणा किया था कि किसान को हम मुफ्त बिजली देंगे, जिससे कि उनका जो लागत खर्च होता है किसानी में वो कम होगा और फायदा होगा। इसलिए उस समय तो हमने कहा था कि 5 एकड़ ज़मीन रखने वाले किसानों को हम बिजली माफ़ करेंगे, लेकिन अब इस घोषणा में हम लोग सम्मिलित कर रहे हैं कि अगर हम लोगों की सरकार आवेगी तो 10 एकड़ ज़मीन रखने वालों किसानों को हम बिजली माफ़ कर देंगे और किसानों का अलग फीडर बनाने का कार्रवाई करेंगे, और उससे जो भी रेवेन्यू आती है वो रेवेन्यू हम किसी दूसरे मत से मीट करेंगे, किसानों को हम फ्री बिजली देंगे, ये हम लोग घोषणा किया है। और जहाँ तक किसान का जो त्रासदी है कर्ज के साथ भी है, क्योंकि उन पर अनेक प्रकार के कर्ज होते हैं, तो समस्त हिंदुस्तान में ये बातें आती है कि जो कर्ज लेकर के किसान कभी काल मर जाते हैं। बिहार में भी आप देखा होगा, आरा में एक आम देखने वाला, आम की खेती करने वाला किसान जब काफ़ी ले लिया कर्जा और उसके बाद आम की फसल डैमेज हुई तो आत्महत्या कर लिया था। इसीलिए हम लोग का एकदम फर्वेंट एक आइडिया है कि किसान को किसी भी प्रकार की हम कर्ज से माफ़ी देंगे, उनको मुक्ति देंगे, ये हम अपने घोषणा पत्र में किया है। और पत्रकारों के लिए भी आप जानते हैं कि जब हम थे मुख्यमंत्री तो पेंशन योजना लागू करने का काम हमने किया था। हमारे दिमाग में बात थी कि देहात में रहने वाले छोटे छोटे जो पत्रकार होते हैं 10 रुपया 20 रुपया प्रति समाचार के लिए शायद उनको पैसा मिलता है, और महीना में 2-4, 10-15 समाचार से ज़्यादा नहीं दे पाते हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब होती है। अब यही कारण है कि हमारे पत्रकार मित्रों पर कहीं कहीं लोग उंगलियाँ उठाते हैं कि पैसा ले करके चाहे प्रभावित हो करके ये समाचार देते हैं। मैं इसको गलत मानता हूँ, उनको इज्जत के लिए, उनको एक जीवन निर्वहन के लिए हमने उस समय कहा था कि हर हालत में जो देहात के पत्रकार हैं उनका निबंधन करेंगे, शहर में जो निबंधित पत्रकार हैं उनको हम पेंशन देंगे। उस समय 1,000 हमारे दिमाग में पेंशन की बात आई थी, क्योंकि बहुत हल्ला हो रहा था, लेकिन
हम कहना चाहते हैं अगर हम लोगों की सरकार आवेगी तो हम उनको 1,000 नहीं, हम 5,000 रुपया पेंशन पत्रकारों को देने का हम घोषणा करते हैं। हम समझते हैं कि अगर हम लोग जीत के आए तो हम पत्रकारों को, चाहे ग्रामीण का हो या शहर का हो, 5,000 रुपया उनको हम पेंशन देंगे। और हमने उसमें निर्णय लिया था कि हर जिला में, हर जगह पत्रकारों के लिए एक प्रेस क्लब बनाएंगे। हम समझते हैं कि वो इम्प्लीमेंट शायद हो रहा है बहुत धीमी गति से, और हम उसको अगर हम लोग आएंगे तो एक आइडेंटिफाई कर करके, क्योंकि वहाँ देखते हैं कि पत्रकार मित्र इधर उधर भटकते रहते हैं, उनको एक जगह बैठने का कहीं कोई जगह नहीं है, तो इसलिए पत्रकार मित्रों के लिए भी हमने कहा है कि प्रेस क्लब जो बनाने का हम घोषणा किया है, अगर इम्प्लीमेंटेशन में कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसको ठीक करके हम उनको प्रेस क्लब की सुविधा उनको देंगे। और एक बात और जो हम सदा कहा है कि कोई नहीं कहता है, कोई पार्टी इसको नहीं अपनाया है, लेकिन हम कहते हैं कि हमारा जो शेड्यूल कास्ट और गरीबों का जो मतदाता सूची बनती है वहाँ बेमानी हो रही है, हमको कहने में कोई ये नहीं है। जो गरीब तबके के लोग हैं उनका टोला का टोला छुटा हुआ है और वो उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, जबकि वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। अभियान इलेक्शन कमीशन चला रही है लेकिन उसके बाद भी उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। और दूसरे ओर जो चलाक हैं हमारे, ऐसा हम चार जगह अगर हमारा ठिकाना है तो चारों जगह हम लोग अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ देते हैं, तो अगर हम एक जगह 10 हैं तो 4 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएंगे। और वही बल पर हम कहते हैं, समाज को प्रभावित करते हैं कि हमारा वोट पर कंट्रोल है इस बा, और इसके चलते जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, मोमिन, गरीब तबके के लोग हैं वो महरूम हो जाते हैं अपने मतदाता और मतदान के अधिकार से। इसीलिए हमारा मांग है, हम कहना चाहते हैं कि अगर हमारी सरकार आई या महागठबंधन की सरकार आई तो हम मतदाता सूची को आधार कार्ड से हम जोड़वाने का काम करेंगे। आधार कार्ड से जोड़ने से न तो डुप्लीकेशन हो सकता है और न ही लेफ्ट आउट हो सकता है, यही धारणा हमारी है। और ये आज हिंदुस्तान का कोई पार्टी इसको नहीं कर रही है, सिर्फ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के जहन में है, क्योंकि ये गरीबों की पार्टी है, गरीब के लिए जीना और मरना है। और जो व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई 70-71 वर्ष में, वो व्यवस्था लागू करके हम आप लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए अपने मतदाता सूची को आधार कार्ड से जोड़ने का एक नया हम आंदोलन के रूप में इसको लाने का प्रयास करेंगे, जब चुनाव जीत जाएंगे। तो उसके बाद एक और जो बात है जो विचित्र आप लोगों को लगेगा, अब कोई भी सुनेगा तो कहेगा जीतन मांझी पगला गया है, गलत बात बोलता है, इसलिए हाँ इसलिए मैं यही कहेगा, क्योंकि चाहता है ना कि गरीब का उत्थान नहीं हो, गरीब आगे नहीं बढ़े। आज हम शेड्यूल कास्ट के यारी पर जो रिजर्व कैटेगरी के लोग है उसका जो प्रतिनिधि है उसकी हालत आज हम 40 वर्ष में देख रहे हैं। 40 वर्ष में ये होता है कि मास जो गरीब तबका का वोटर है वो वोट हमको देता है और उसके वोट से हम जीतते हैं, लेकिन कुछ लोग जो अपना जो वोटर वोट है, मतदान मतदाता है, वो उसको बढ़ा करके और समाज में प्रभावित करते हैं, वो अगर 10% वोट देते हैं तो वो सभी रिप्रेजेंटेटिव को कब्जा में कर लेते हैं, चाहे टिकट देने लेने की बात हो या फिर उनको किसी प्रकार का लोभ देने की बात, लाभ देने की बात हो, इसमें हमारे जनप्रतिनिधि लोग एकदम शिथिल हो जाते हैं। वो इधर उधर ताकते हैं कि अगला चुनाव अगर हमको जीतना है तो शेड्यूल कास्ट गरीब की बात नहीं करना है, उनके लिए कुछ नहीं करना, बल्कि उस पर कितनों अन्याय क्यों ना होते रहे। और जिस सबल वर्ग के लोग साथ हमको दिया है हम उसके वोट देखते हैं, और उसका एक नतीजा ये भी होता है कि अगर कहीं कहीं हम लोग नज़रअंदाज करके जो सबल लोग है अगर गलत करता है और उसके वो उंगली उठाते हैं तो न सिर्फ मेरे कंस्टिट्यूंसी में बल्कि जिला में नहीं, राज्य भर से बातें आती है, अरे भाई फलना तबका ने आपको वोट दिया है, आप उसका विरोध कर रहे हैं। यही कारण है कि 71 वर्षों में हमारे शेड्यूल कास्ट के जो प्रतिनिधि हैं उनका व्यक्तित्व आगे नहीं बढ़ पाया है और वो सकम्ड रहते हैं और अपना समाज के काम को भी हीनियस से हीनियस क्राइम वहाँ पर होती है उसके बावजूद भी बेचारा मुंह बंद रखता है। इसी के लिए अंबेडकर साहब ने एक हम लोगों को मंत्र दिया था और वो मंत्र ऐसा है
कि उस मंत्र का प्रयोग अगर हम लोग कर देंगे तो शेड्यूल कास्ट अति पिछड़ा और जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनका व्यक्तित्व बढ़ेगा। इसके लिए हम लोगों ने कहा है सेपरेट मतदाता सूची बननी चाहिए, डबल मतदाता सूची बननी चाहिए। इसकी अवधारणा हमारे अम्बेडकर साहब ने भी किया था और उसका तत्क्षण लाभ उनको मिला था कि जब जनरल शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है और जिसमें सबको वोट देने का अधिकार है उससे बाबा साहब महाराष्ट्र में लड़ने का काम किया था लोकसभा के लिए, वो हार गए। लेकिन जो सुविधा डबल मतदाता सूची की है वो मुस्लिम लीग को सुविधा मिली हुई थी बंगाल में या केरल में, बंगाल के मुस्लिम लीग के लोग उनको आमंत्रित किया और उन रिजर्व कैटेगरी के लोगों को रिजर्व कैटेगरी के लोग वोट दें इस सिद्धांत के आधार पर उनको जिता दिया तो वो भारत सरकार के लॉ मिनिस्टर हुए और अपनी योग्यता को संसार के सामने लाने का काम किया। इसीलिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की अगर सरकार बनेगी या हमारे समर्थक की सरकार बनेगी तो हम लोग प्रयास करेंगे कि शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, अति पिछड़ा के लिए सेपरेट इलेक्ट्रोल जोने यानी डबल मतदाता सूची बने। कुछ लोगों को भ्रांति होगी आप लोगों को कि ये कैसे संभव है, तो हम कहना चाहते हैं कि बिहार में ही के सहित देश के अनेक जो लेजिस्लेचर पार्टी है उसमें काउंसिल हुआ करता है और काउंसिल में चाहे ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी हो, टीचर कंस्टिट्यूंसी हो या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कंस्टिट्यूंसी हो, इसमें वही वोटर होते हैं और वही प्रतिनिधि होते हैं। जैसे टीचर कंस्टिट्यूंसी में यहाँ है तो टीचर ही लोग वोटर होते हैं और टीचर ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और टीचर वोट देते हैं, उनका MLC टीचर कंस्टिट्यूंसी में जीतता है तो हम देखा है विधान परिषद में कि टीचर के लिए काम करते हैं, ग्रेजुएट में भी ग्रेजुएट के लिए काम करते हैं। और जब यह संभव है तो क्यों नहीं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स अति पिछड़ा के लिए सेपरेट इलेक्टोरल बने और वो फिजिबल है, हो सकता है और उसी तभी कल्याण होगा। नहीं तो आज जिस प्रकार से अति पिछड़ा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स आज हाशिए पर है 71 वर्ष के शासनकाल के बाद भी और अगला 71 साल होगा तो भी उसकी यही स्थिति रहेगी। इसलिए हमारा एकदम मांग है, पुरजोर मांग है, बल्कि हम आंदोलन इसके लिए करेंगे जो कि हिंदुस्तान में अभी तक कोई नहीं कर रहा है कि सेपरेट इलेक्ट्रोल बाबा साहब का जो नीति थी उसके अनुसार हम लोग लागू करेंगे। और हम धन्यवाद देते हैं लेट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को भी, 1943 में उन्होंने जो बाबा अम्बेडकर साहब ने कहा था उसको उन्होंने इंडोर्स किया था और कहा था कि शेड्यूल कास्ट को अपना प्रतिनिधि चुनने का अपना अधिकार होना चाहिए। तो इन दोनों महानुभावों को सेंटीमेंट को लेकर के हम कहना चाहते हैं कि हम सेपरेट इलेक्ट्रोल डबल मतदाता सूची बने, इसकी वकालत हम लोग करेंगे। फिर आज बहुत चर्चा कर रहे हैं हमारे माननीय नीतीश कुमार, कहते हैं हम काम की मजदूरी मांग रहे हैं 13 साल का। हम और काम की बात चर्चा नहीं करेंगे लेकिन एक बात की चर्चा हम जरूर करेंगे, ये शराबबंदी की नीति अपनाई उन्होंने। आज हम कह सकते हैं कि तालिबानी कानून उन्होंने बनाया और वो इसलिए बनाया कि एक जुमला है कि 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज को। जब 2005 में आए तो हर गांव पंचायत में उन्होंने दारू बनाने का, दारू का बेचने का इन्होंने दुकान खुलवा दिया और जब इनको लगा कि बहुत प्रशंसा हमको न हो रही है, लोग गाली दे रहा है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, तब उन्होंने एक कानून बनाया जिसके तहत क्या क्या हो रहा है आप लोग जानते हैं। आज भी शराबबंदी नहीं हो पाई है, आज डोर डिलीवरी हो रही है। इसी और दूसरा तुरा इसका यह है साइड कि 1,70,000 के आसपास गरीब लोगों पर ये शराब के संबंधित केस मुकदमा हुआ है और उसमें लगभग 1,30,000 लोग जेल जा चुके हैं या जेल में हैं। इसको कहवाते हैं हमारे शेड्यूल कास्ट नेताओं से माननीय नीतीश कुमार कि बताओ जब यहाँ 42,000 जेल में रहने का कैपेसिटी है तो 1,30,000 कैसे गए, कितना दूसरों को भरमाते हैं और कितना दूसरे को बुद्धू समझते हैं माननीय नीतीश कुमार। इसी से कह सकते हैं अरे भाई 1,30,000 जिन पर आपने मुकदमा किया 1,70,000 पर, उन लोग जेल जा चुके हैं, आ चुके हैं, जिनको बेल लेने की सलाहियत थी बेल लेके आए हैं, जिसको बेल लेने की सलाहियत नहीं है अभी भी जेल में है। यानी 1,30,000 लोग गया, वो कौन लोग थे, सब गरीब लोग, मजदूर लोग। और उसमें जो एक पासी समाज हमारा है जो ताड़ी बेचता है, लाखों लाख उसमें लगा हुआ है और हाँ
लाखों लाख लगा हुआ है और उसकी जीविका है कि ताड़ी बेचना। ताड़ी शराब की गिनती में नहीं आती है, ताड़ी एक नेचुरल जूस है। उसको भी उन्होंने बंद कर करके लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया। तो ये दोनों पॉइंट से हमारे दिमाग में बनती है कि यदि हमारी सरकार आवेगी। अब इसका एक पक्ष और है कि जो बड़े बड़े तस्कर हैं, माफिया हैं, शराब माफिया, उनका बल्ले बल्ले हो रहा है और जो शराब बिकती है सभी शराब विषैला बिक रही है। इसलिए कि शराब बाहर से आती है, जिस दूसरे राज्यों में जहाँ बंद है या न है उससे शराब आती है और वो शराब में हमारे बच्चे बच्चियाँ भी लग गए हैं। एक शराब का बोतल यहाँ जो बाहर में लाते हैं 100-200 रुपया में, यहाँ बिकता है 1500 रुपया में। सप्ताह में 2-4-5 बोतल बाहर से ले आते हैं तो उनको कम से कम पॉकेट खर्च चलता है। इसी प्रकार से पब्लिक मनी यानी जनता का पॉकेट ढीला हो रहा है और साथ साथ जो सरकार का पॉकेट है वो 5000 करोड़ रुपया की क्षति हो रही है। और दूसरी बात है कि विषैला शराब काफ़ी व्याप्त हो गया है जिससे बहुत लोग मर भी रहे हैं। तो कहने का मतलब गरीबों को जेल देना, गरीबों को केस में फंसा देना और गरीबों को एडल्ट्रेटेड शराब पिला करके मारने का उद्देश्य इनकी शराब नीति है और तस्करों को बल्ले बल्ले कराने का इनकी नीति है। उस नीति का हम विरोध करते हैं। शराबबंदी के खिलाफ हम नहीं हैं, करना चाहते हैं, लेकिन जो ये तालिबानी कानून बना करके लोगों को आज फंसा रहे हैं इसका हम लोग परिमार्जन चाहते हैं। इसलिए हम घोषणा पत्र में जारी किया है कि यदि हमारी सरकार आवेगी तो 1991 की जो शराब नीति है उसी के आलोक में हम लोग शराब पर प्रतिबंध करते हुए समाज को प्रशिक्षित करते हुए और शराब नीति को हम लोग बदलेंगे। ये हम अपने घोषणा पत्र में दिया है। उसके अलावा आप बिजली की बात हमने कही दिया है, वो कहना नहीं है। और एक बात और जो गरीबों के हित में है, कोई नहीं सरकार ध्यान दे रही है और वो गरीब से कंसर्न है। बिहार से देश के अन्य कोने में या दूसरे विदेशों में भी हमारे मजदूरों का स्किल और नॉन स्किल मजदूरों का पलायन हुआ है। करोड़ों करोड़ मजदूर हमारे गए हैं, सऊदी में गए हैं, जहाँ केनिया में गए हैं, नाइजीरिया में गए हैं और हिंदुस्तान के अनेक राज्यों में भी गए हैं। हमारा कहना है कि आज मतदान हो रहा है, होने वाला है 11 अप्रैल से, वो तो कम से कम नहीं आ पाएंगे। तो कहने का मतलब जब मताधिकार का सम्मान परिवार पर दिया है अधिकार आपने, तो उसको मतदान कैसे करे गरीब लोग ये भी सुनिश्चित करना चाहिए। इसीलिए हम अपने घोषणा पत्र में लागू किया है, जो कोई पार्टी नहीं कर रही है, कि जो मजदूर चाहे स्किल हो नॉन स्किल हो, देश में या देश से बाहर हैं, उनको चुनाव में मतदान करने की व्यवस्था की जाए। और व्यवस्था कैसे हो, या तो सरकार वो जहाँ जहाँ वो लोग गए हैं उन कंपनियों से अप्रोच करके उनको सरकारी खर्च पर यहाँ बुला दे और बुला करके वोट करवावे, और नहीं तो जब फौज के लिए अन्य पदाधिकारियों के लिए पोस्टल बैलेट पेपर आप देते हैं और उससे उनका मत लेते हैं, उसी प्रकार से आप जो मजदूर लोग चाहे ईंट भट्ठा में गया हो, चूड़ी भट्ठा में गया हो, ईख उद्योग में गया हो या देश से बाहर गया हो, उन मजदूरों को फौरन से पेस्टर रजिस्ट्रेशन कर लिया जाए, पता लगा लिया जाए कितने मजदूर हमारे गए हैं और उनके लिए पोस्टल ऑर्डर की पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की जाए ताकि उनका मत जो निर्णायक हो सकता है उसको भी हम लोग शामिल कर सकें। और सरकार या बुला ले, अपना खर्च से बुला ले, सभी ठेकेदारों को वार्न करे कि तुम उसको भेजो, नहीं तो तुम पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, और अगर नहीं तो फिर पोस्टल बैलेट की व्यवस्था करे। ये हिंदुस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रही है, ये हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर ही इसके लिए ताना बाना गुन रही है और घोषणा पत्र में उसको लागू किया है। हमारी सरकार यदि आएगी तो कोई भी आदमी बाहर जाएगा काम करने के लिए उसका हम रजिस्ट्रेशन करेंगे और जिस कंपनी में जाता है उसके सुख दुख का हम हालिया लेंगे और जब मतदान और वोट की बात आएगी तो उसको हम अपने खर्च पर बुलाएंगे या नहीं तो कंपनी को बात करेंगे कि तुम अपने खर्च पर हमारे मतदाताओं को वोट देने के लिए भेजो। ये एक चीज है। सवाल ये उठता है कि आप बिहार में महागठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं तो आखिर ऐसा क्या आन पड़ा कि आपको अपनी पार्टी की तरफ से अलग से घोषणा पत्र जारी करना पड़ा? आप एक जॉइंट ये कोई नई बात नहीं है। आप वो भाजपा में देख रहे हैं, एनडीए में देख रहे हैं ना, एनडीए आप हमारे और क्यों देखते हैं?
हमको लोग कहते हैं महागठबंधन है, 10 गो पार्टियां हैं और 90 पार्टियां एनडीए में है, उसके बारे में नहीं देखने हैं। वहां भी अलग अलग घोषणा पत्र कर रहे हैं। सर, एक सवाल आपके घोषणा पत्र में बहुत मैंने बात करती है, ये सेपरेट इलेक्ट्रोल गरीब को उत्थान, गरीब का उत्थान करना है, गरीबों को पॉलिटिकल राइट है और उसको उपयोग करने के लिए आप कहते हैं कि 47 के बाद जाना है, तो आपका दिमाग का हम दाग देते हैं। नहीं तर्क नहीं, ये समानतावादी तर्क है आपका। हम आगे आना चाहते हैं, हम 21वीं शताब्दी में हैं, सबको उपयोग करें, सब लोग अपना मताधिकार का प्रयोग करे, तो खाली कहने से हो जाएगा कि भाई सबको मताधिकार का प्रयोग दिया और ऐसे करके आप काटते हैं। साजिश है कि गरीब की सरकार नहीं बने, गरीब आगे नहीं बढ़े, इसके लिए ये दकियानीसी बातें लाई गई है, उसी दकियानीसी बात पर हम हैमत कर करके ये व्यवस्था करना चाहते हैं।